हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू, मैं हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब इसका वेवफॉर्म बनाया था, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो I और T में ग्राफ, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो इधर V इधर T, तो आप देखिए आधे साइकिल में वैल्यू पॉजिटिव है, आधे में नेगेटिव है, और जो ये शेप है नीचे वाली शेप जस्ट इसके इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि पूरे साइकिल के लिए टोटल करंट कितना आया, तो टोटल करंट ऊपर वाला प्लस नीचे वाला वो जीरो हो जाता है। और जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, तो अगर हाफ साइकिल के लिए बात करूँ, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल टू क्यू फॉर हाफ साइकिल डिवाइड बाय हाफ साइकिल का टाइम होता है टी बाय टू, ये हम निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब मुझे आधे साइकिल के लिए चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता है कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि वो वेरी कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई, या फिर डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो डी क्यू मेरे पास आ जाता है आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब क्योंकि मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ हाफ साइकिल के लिए, तो क्यू जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए इसका मतलब जो मैं टाइम इंटरवल लूंगा वो कहाँ से कहाँ तक लूंगा, जीरो से लेके टी बाई टू तक के लिए। तो Q मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dQ की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टी बाय टू तक के लिए, क्योंकि मैं आधे साइकिल के लिए चार्ज की कितनी वैल्यू ट्रांसफर हुई है वो देख रहा हूँ। तो Q इज इक्वल टू आई एम बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम लिमिट जीरो टू टी बाय टू। आई एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा जीरो टू टी बाय टू, तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस आई एम बाय ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक बार अपर लिमिट और एक बार माइनस लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा टी बाय टू माइनस कोस जीरो। क्या किया मैंने, एक बार तो t की जगह t बाई टू रख दिया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट यानी कि जीरो रख दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू या ओमेगा t इज इक्वल टू टू पाई होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय टी, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ओमेगा t की जगह मैं जब टू पाई रखता हूँ तो बाय टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाता है क्यू इज इक्वल टू माइनस आई एम बाय ओमेगा कोस पाई माइनस कोस जीरो। कोस पाई होता है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो यहां से आगे हम यहां करते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस आई एम बाय ओमेगा इंटू माइनस टू, या फिर ये आ जाएगा प्लस टू आई एम बाय ओमेगा। ये आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई है। अब आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है, क्यू फॉर हाफ साइकिल बाय टी बाय टू, तो रखते हैं आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू बाय टी बाय टू, यानी कि टू आई एम बाय ओमेगा टी बाय टू। अगेन ओमेगा टी कितना होता है, अभी मैंने बताया था टू पाई, तो इट विल बी टू आई एम बाय टू पाई और बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज मेरे पास फाइनली आ जाता है टू आई एम बाय टू।
सॉरी पाई, 2im by पाई। ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आ जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब क्योंकि मैं आधे साइकिल के लिए एवरेज निकाल रहा हूँ, क्योंकि पूरे साइकिल के लिए एवरेज जीरो होता है, इसलिए हम हाफ साइकिल का एवरेज निकालते हैं। तो चार्ज फॉर हाफ साइकिल डिवाइड बाई हाफ साइकिल का टाइम पीरियड टी बाई टू। अब हमें पता है क्योंकि करंट लगातार वेरी कर रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी करंट होगा, और आई की वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा आई, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। आई की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, डी क्यू की वैल्यू आ गई आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब मुझे चाहिए क्यू, तो वो हो जाएगा ऐसे ऐसे डी क्यू का इंटीग्रेशन फॉर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए मैं इसकी लिमिट जो सेट करूंगा वो कहाँ से कहाँ तक सेट करूंगा, जीरो से लेके टी बाई टू तक के लिए। तो ये आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी बाई टू। आई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब माइनस को और ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस आई एम बाय ओमेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब टी की जगह एक बार तो टी बाय टू रखो, और फिर माइनस करके टी की जगह जीरो रख दो। ओमेगा टी की वैल्यू होती है टू पाई, तो यहाँ से टू पाई बाय टू पाई हो जाएगा, कोस पाई माइनस कोस जीरो, कोस पाई माइनस वन, कोस जीरो वन, तो माइनस वन माइनस वन, ये माइनस टू हो जाता है। माइनस टू इंटू माइनस आई एम बाय ओमेगा, मल्टीप्लाई करेंगे टू आई एम बाय ओमेगा। एवरेज के लिए मैंने अभी बताया था कि चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज हमारे पास कितना आ गया टू आई एम बाय ओमेगा, टाइम पीरियड टी बाय टू, ओमेगा टी की वैल्यू टू पाई होती है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज आ जाएगा टू आई एम बाय पाई। ठीक इसी तरह से हाफ साइकिल के एवरेज वोल्टेज जो होती है वो प्लस टू वी एम बाय पाई हो जाती है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए एवरेज करंट टू आई एम बाय पाई, और एवरेज वोल्टेज 2Vm बाय पाई। फॉर नेगेटिव साइकिल, क्योंकि आधे आधे साइकिल के लिए ले रहे हैं ना, तो I एवरेज हो जाएगा उसमें माइनस 2Im बाय पाई, और ऐसे ही V एवरेज क्या हो जाएगा माइनस 2Vm बाय पाई। तो ये एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें।